तो मैंने चौड़े बोल दिया, मैं कहा शादी के बाद खाना तुम, ना 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 ना, मॉडर्न कूल आदमी खाना हम बनाएंगे। मुझे लगा मेरी कौन सी बारी आनी, फिर शनिवार की सुबह सर पे हाथ आया, राम बहादुर उठो शाबाश है तो मेरे को आते बढ़िया वाले अंडे ब्रेड, मैं कहा बनाएंगे इंप्रेस करेंगे मजा आएंगे। भागा किचन की तरफ, कमरे से आवाज आई, ये घटिया से अंडे ब्रेड नहीं खाऊंगी दोबारा। मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे को थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी, और मुझे हेल्दी का घंटा नहीं पता। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर, हमारी लाइफ में जब जब प्रेशर आया हमने गूगल कर लिया, तो मैंने गूगल में डाला हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। तो सीन ऐसा है कि गूगल में ना औकात का कॉन्सेप्ट है नहीं। गूगल कहता ब्रेकफास्ट बनाओ सैलेड, मैं कहा सैलेड इजी होंगे, चार चीजें लाओ काटो, मैं कितने मुश्किल होगा। मैंने एक लिंक खोला, उसमें पहला सैलेड आया जेस्टी बुर्राटा एंड किनोवा सैलेड, मैं क्या वाह। मैं जो पांच वर्ड की डिश है दो ही पता है, एंड और सैलेड। सालों की इतनी औकात, नीचे लिखा इफ यू लाइक द रेसिपी लीव अ कमेंट, मैंने कमेंट डाला था, लो खाना खाना जी मैट नहीं करनी। इतना मुश्किल नाम है यार, और ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी मुझे पूरी आती, लेकिन ये जो लिखा वो अंग्रेजी नहीं है यार। इसलिए वो क्या करते हैं, वो ना डिश के नीचे उसके सबटाइटल भी देते हैं, होते ना अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ पे भी होते हैं, इसलिए होते ताकि हम जैसे देसी लोग ऑर्डर कर पाए, नहीं तो हम लगे रहते फूदों की तरह के, भैया दो लसगना कर देना। कईयों को तो आज पता लगा था लसगना नहीं होता क्या। मैंने पढ़े सबटाइटल्स, वहां पे लिखा था फ्रेश बुर्राटा चीज, मैं क्या ओ बुर्राटा चीज का नाम था। मेरे को लगा भंगड़ा की साउंड है कोई। विद क्रिस्प किनोवा, मैं कहा किनोवा भैंचू फिर नहीं पता। चिक पीस बेल पेपर्स एंड अ हिंट ऑफ एस्पेरेगस, मैं कहा दीदी बिल्कुल फायदा नहीं। जज मी ऑल यू वांट, मेरे को ना दो साल पहले तक चिक पीस भी नहीं पता थे, और मैं लिख के देता हूँ आधे मर्दों को भैंचू अभी नहीं पता। ब्लैक अबे सफेद छोले। फिर मर्द सोचते थे औरतें हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, इसलिए नहीं करती, सारा दिन पिछवाड़ा लेके बैठे रहते, चाय दे दो खाना दे दो, चाय दे दो खाना दे दो, चाय दे दो खाना दे दो, रिमोट का है रिमोट का है रिमोट का है रिमोट का है। उसके आगे लिखा एंड अ हिंट ऑफ एस्पेरेगस, एस्पेरेगस ये कोई तमीज है बड़ों से बात करने की। एस्पेरेगस वर्ड सुन के गैस नहीं हो पा रहा, फल है फ्रूट है जानवर है क्या। एस्पेरेगस इतना पॉश वर्ड है, मेरे को लगता था ये ना एयरपोर्ट पे मिलता होगा पासपोर्ट दिखाने के बाद, एक टाइम पे दो ही ले सकते हो। मैंने एस्पेरेगस गूगल किया, मेरे को गूगल से पढ़ के समझ नहीं आया क्या होता, गूगल ने मतलब नहीं बताया, गूगल ने नया वर्ड दिया और वो वर्ड था अवाकाडो। मैं कहा भैन जो पहला समझ नहीं आ रहा। मुश्किल से हम लोग ब्रोकली तक पहुंचे हैं, ये अवाकाडो कहां डालें। तो मैं कहा इस बार रिसर्च नहीं होगी, इस बार रिसर्च नहीं होगी, इस बार अवाकाडो मंगवाया जाएगा, अवाकाडो बुलवाया जाएगा, अवाकाडो ऑर्डर किया जाएगा। तो मैंने अपनी एक FD तोड़वाई, मंगवाया मैंने अवाकाडो, अवाकाडो चल के आया मेरे घर पे स्वयं, उसने बेल मारी टिंग टोंग, मैंने पूछा आप पैंच कौन आकर, मैं हमने उसका बनाया अवाकाडो टोस्ट। मैंने उसकी एक बाइट ली, डिश नहीं है नॉस्टैल्जिया है वो, एक बाइट मैं चला गया मेमोरी लेन में। मेरे को वो वक्त याद आया जब नई नई शादी हुई थी मेरी, तो हमने ना अपनी शादी के बाद नया फ्रिज खरीदा, तो प्रॉपर टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी, हम लोग ना फ्रिज का डब्बा कभी नहीं फेंकते, हम होता है इसको संभाल लेते हैं, कल को अपना घर लेंगे तो इसी में शिफ्ट करेंगे, बहन जो घर ले लेंगे 1 करोड़ का, लेकिन टुच्चे काम नहीं छोड़ेंगे। तो डब्बा रखा स्टोर रूम में, 3 साल बाद हमने अपना घर लिया, मैं कहा स्टोर रूम खोलते डब्बा निकालते, मैं स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो दीवार पर ना सीलन थी जो कि डब्बे में भी आ गई थी, तो मैंने डब्बा बाहर निकाला, डब्बा एकदम गीला सिला हुआ भद्दा गंदा गत्ता, मैं कहता हूँ उस गत्ते के ऊपर नमक डाल के खा लो, वो भी आवाकाडो से टेस्टी होगा।